नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। कहते हैं कि जिस किसी की राशि में शनि अशुभ हो तो जातक बेवजह के जंजाल और विपरीत परिस्थितियों में ऐसा उलझता है कि वो सुलझने के लिए जितना भी प्रयास करे उसमें उतना ही उलझता चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अशुभ ग्रह है। दरअसल शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, जो हर किसी के साथ न्याय करते हैं। पापियों को दंड और पीड़ितों की रक्षा करना उनका कर्म है, जो बाकी ग्रहों से काफी अलग है। दरअसल शनि अन्य ग्रहों की तरह जल्दी जल्दी अपनी राशि नहीं बदलते हैं, बल्कि वो एक राशि पर करीब 28 साल तक विराजमान रहते हैं। और इसका कारण ये है कि शनि लंगड़ाकर चलते हैं। अजीब है ना, जहाँ शनिदेव की क्रूर दृष्टि से देवता भी भयभीत रहते थे, वहाँ कौन था जिसने शनिदेव को लंगड़ा कर दिया। दरअसल हिंदू पौराणिक कथाओं में शनि के काले स्वरूप और उनके लंगड़ाकर चलने का उल्लेख दिया गया है, जिसको लेकर कहा गया है कि जब शनि देव अपनी माँ के गर्भ में थे तब उनकी माता ने शिव की घोर तपस्या की थी, लेकिन अपने पति सूर्य के तेज और ताप की वजह से उनके गर्भ में पल रहे शनि देव काले रंग के जन्मे। संज्ञा ने अपने पति के ताप से बचने के लिए अपनी ही छाया स्वर्णा को सूर्य देव और पुत्र शनि के पास रहने को कहा और वो स्वयं अपने पिता के घर चली गई। कहा जाता है कि संज्ञा के जाने के बाद शुरुआत में तो स्वर्णा ने शनिदेव का पूरा ख्याल रखा, लेकिन बाद में उन्होंने शनिदेव की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। माँ का ऐसा व्यवहार देख शनिदेव दुखी रहने लगे। स्वर्णा हर बार शनिदेव की बात को अनसुनी करने लगी। एक दिन स्वर्णा बच्चों को खाना खिला रही थी, तभी शनिदेव ने भी उनसे खाना मांगा, जिसके बाद एक बार फिर स्वर्णा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। तभी क्रोध में आकर शनिदेव ने अपना एक पैर उठाकर उन पर मारने की कोशिश की, लेकिन स्वर्णा ने उसी वक्तन पलटकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि उनका पैर फौरन टूट जाए। अपनी माँ के मुंह से ऐसा श्राप सुनकर शनिदेव आश्चर्यचकित रह गए और तुरंत पिता सूर्यदेव के पास पहुंचकर उन्होंने सारी बात बताई। ये सब सुनकर सूर्यदेव चौंक गए और सोचने लगे कि एक माँ होकर अपने पुत्र को ऐसा कठोर श्राप वो कैसे दे सकती हैं। तब सूर्यदेव स्वर्णा के पास पहुंचे और उससे क्रोधित होकर सच्चाई पूछने लगे। भयभीत होकर स्वर्णा ने सारी सच्चाई सूर्यदेव को बता दी कि वो संज्ञा नहीं बल्कि उसकी छाया है। ये सुनकर सूर्यदेव ने शनिदेव को समझाया कि भले ही वो उनकी माता नहीं पर माँ की छाया ही है, इसलिए उसका श्राप खाली नहीं जाएगा, लेकिन उनके श्राप का प्रभाव इतना कठोर नहीं होगा कि उन्हें अपना एक पैर खोना पड़ जाए, यानी कि उनका पैर तो रहेगा लेकिन उनकी चाल लंगड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि अपनी माँ की छाया से मिले श्राप के चलते शनिदेव लंगड़े हो गए और उनकी चाल धीमी पड़ गई। वैसे तो इस कथा का पुराणों में जिक्र है, लेकिन शनिदेव की लंगड़ाती चाल को लेकर एक कथा और भी कही जाती है, जो जुड़ी है लंकापति रावण से। बताया जाता है कि लंकापति रावण के पहले पुत्र के जन्म के समय रावण चाहता था कि उनका पुत्र दीर्घायु हो, इसलिए रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दे दिया था कि वो सभी अपनी शुभ स्थिति में रहे। सभी ग्रह नक्षत्र रावण से डरते थे, तो वो रावण के कहे अनुसार अपनी शुभ स्थिति में ही रहे। लेकिन शनिदेव को रावण का भय नहीं था। ये जानकर रावण ने अपने बल का प्रयोग करके शनिदेव को भी अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहने के लिए मजबूर कर दिया। पर शनिदेव ने मेघनाथ के जन्म के समय शुभ स्थिति में होने के बाद भी अपनी वक्र दृष्टि उन पर बना ली, जिसके कारण मेघनाथ अल्पायु हो गए, जिसे क्रोध में आकर रावण ने अपनी गदा से शनिदेव के पैर पर प्रहार कर दिया और वो तभी से लंगड़े हो गए। शनिदेव की धीमी चाल को लेकर कई ऐसी कहानियां हैं, जिसको लेकर पुराणों में अलग अलग प्रसंगों का जिक्र है, जिसमें कितनी सच्चाई है ये कहना थोड़ा मुश्किल है।